नमस्कार, इस समय बड़ी खबर देख सकते हैं किस तरह से करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और बाइक चोरी करने वाले एक गैंग को पकड़ा है। और आप देख सकते हैं एक बुलेट मोटरसाइकिल समेत चार चोरी की मोटरसाइकिलें इनके पास से बरामद होती हैं। कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, नीलोखेड़ी के पास से इनको पकड़ा गया है। नए साल के शुरुआत भी आप देख सकते हैं करनाल पुलिस की एंटी ऑटो थर्ड स्क्वाड ने एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और किस तरह से बाइक चोरी करने वाले इस गैंग को पकड़ा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बड़ी खबर देख सकते हैं, एक बुलेट मोटरसाइकिल समेत चार चोरी की मोटरसाइकिलें इनके पास से बरामद होती हैं। ये बड़ी खबर देख सकते हैं, बाइक चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा है, दो चोर पकड़े हैं और किस तरह से एक बुलेट मोटरसाइकिल समेत चार चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। बताया ये जा रहा है कि नशा करने के भी आदि थे, कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। पांच चोरी की मोटरसाइकिलें इनके पास से बरामद हुई हैं, एक बुलेट मोटरसाइकिल है और चार स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बताई जा रही है। करनाल पुलिस की CIA शाखा की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये बड़ी खबर देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। किस तरह से अब इन दोनों पकड़े गए गैंग के चोरों को कोर्ट में पेश करने लेकर जाया जा रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, कोर्ट में पेश करने लेकर जाया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस समय एंटी ऑटो थर्ड स्क्वाड के इंचार्ज रोहतास जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे? बुलेट मोटरसाइकिल समेत चार चोरी की मोटरसाइकिलें पकड़ी हैं, दो चोर पकड़े हैं, क्या कहेंगे? पहले तो हमारी तरफ से आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। हमने कल गुप्त सूचना के आधार पर दो लड़के हैं, एक गुडा का यहाँ गोरंडा के पास गुडा रहने वाला जो कुरुक्षेत्र में रहा है, दूसरा एक उसका साथी वो भी कुरुक्षेत्र का है, विपिन और सुरेंद्र रावत, दो लड़के हैं। इनको हमने नीलोखेड़ी से कल दो मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया था। कितनी मोटरसाइकिलें बरामद हुई है सर इनसे? पांच मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दोनों का आपस में कोई लिंक है सर? हाँ, दोनों मित्र हैं, दोनों वही कुरुक्षेत्र में ही किराए पर रहे। कोई हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है? नहीं, पहले ये चोरी नहीं, पहली बार पकड़े गए। बुलेट मोटरसाइकिल कहाँ से चोरी करी? ये बुलेट मोटरसाइकिल अभी करीब हफ्ता पहले यहीं से आशी चौक से चोरी की। बाकी भी करनाल की है? हाँ, बाकी सारी को मोटरसाइकिल करनाल की। चोरियाँ कर रहे हैं सर ये? अभी थोड़ा ही टाइम से शुरू करी। तो नशा वगैरह करने के भी आदी हैं? हाँ, नशा करते हैं। तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर? आज इनको अभी अदालत में पेश करेंगे। और अदालत के साथ कुछ और लोग भी हैं? नहीं, यही खुद ही है। सर, उम्र क्या है लोगों दोनों युवकों की? उम्र नहीं, दोनों की करीब करीब 30 के इर्द-गिर्द में है। क्राइम हिस्ट्री भी है सर? नहीं, जा रहा है कि घर के बाहर से ही बाइकें चुरा रहे हैं लोग। करण विहार में भी ऐसा मामला सामने आया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? हाँ, करण विहार में भी एक बाइक घर के सामने चोरी गिरी, कैमरे में भी आया, उसको देखेंगे, काम कर रहे हैं। रोहतास जी, जब भी चोरी की मोटरसाइकिलें पकड़ी जाती है तो तकरीबन 90% जो है स्प्लेंडर मोटरसाइकिलें पाई जाती है। स्प्लेंडर मोटरसाइकिलें ही सबसे ज्यादा चोरी होती है? स्प्लेंडर मोटरसाइकिल मार्केट में है भी ज्यादा, जो चीज ज्यादा होगी ज्यादा चोरी होगी, जो कम होगी कम होगी। इजीली लॉक भी खुल जाता है? मतलब बाइक तो कोई ऐसी बाइक नहीं जिसका लॉक नहीं खुलते, मतलब हर प्रकार की बाइक ज्यादा स्प्लेंडर बाइक ही करते हैं। हाँ, मार्केट तो है स्प्लेंडर। क्या कहना चाहेंगे सर जनता को जो पार्किंग लगाते हैं किस तरीके से, ताकि चोरी ना हो मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल चोरी का तो एक ही तरीका, जिसने मतलब कोई बंदा ऐसा मिला है दोनों का, मैंने अगले पहिए में मैंने लोग लगा रखा था मेरी बाइक चोरी हुई है, ऐसा कोई मिला है? दोनों आरोपी। बाकी कोई कुछ तो हमारी भी लापरवाही है, हम जल्दी जल्दी में उसमें चाबी भी उसी अंदर छोड़ जाते हैं। एक दो बाइक का ऐसा मिला जिसमें चाबी मिली। सर, एक बार दोनों नाम बताएंगे आप? क्या जी? दोनों आरोपी? हाँ, दोनों विपिन है और रावत, सुरेंद्र रावत, दोनों कुरुक्षेत्र रहने वाले हैं। कोर्ट में पेश करेंगे? आज अदालत में पेश करेंगे। अभी तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं किस तरह से, आप देख सकते हैं पांच चोरी की मोटरसाइकिल, एक ये बुलेट मोटरसाइकिल जो एक हफ्ता पहले ही करनाल के हांसी रोड से चोरी की थी, चार स्प्लेंडर मोटरसाइकिलें हैं। ये बड़ी खबर देख सकते हैं, करनाल पुलिस की CIA शाखा की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक बुलेट मोटरसाइकिल समेत चार स्प्लेंडर मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। ये बड़ी खबर देख सकते हैं, करनाल पुलिस की CIA शाखा की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नए साल की शुरुआत में एक बाइक चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा है, जिनके पास से
आप देख सकते हैं कि एक बुलेट मोटरसाइकिल और चार स्प्लेंडर मोटरसाइकिलें पकड़ी हैं। तो ये बड़ी खबर देख सकते हैं, लगातार चोरी की घटनाएं, बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे थे, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से करनाल पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक गैंग को पकड़ा, दो चोर पकड़े हैं, एक बुलेट मोटरसाइकिल जो एक हफ्ता पहले ही करनाल के हांसी रोड इलाके से चोरी की थी, चार स्प्लेंडर मोटरसाइकिलें चोरी की हैं। ज्यादातर चोरी की जो मोटरसाइकिलें हैं वो स्प्लेंडर ही पाई जाती हैं, क्योंकि स्प्लेंडर की संख्या मार्केट में काफी ज्यादा भी है, उसकी रीसेल वैल्यू भी है, और दूसरा जो उसका लॉक होता है वो आसानी से खुल जाता है, कहीं ना कहीं कंपनी को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरा जो साइड वाला लॉक होता है, जो साइड वाला लॉक होता है आगे टायर पर लगता है, चोकर पर लगता है, वो जरूर लगाया जाना चाहिए। वो लोग अगर लगाओ तो आसानी से चोर चोरी नहीं कर सकता मोटरसाइकिल। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे, करनाल पुलिस की सीआईए शाखा की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बड़ी खबर देख सकते हैं, एक बुलेट मोटरसाइकिल समेत चार स्प्लेंडर मोटरसाइकिलें पकड़ी हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, एक ये बुलेट मोटरसाइकिल है जो हांसी रोड से एक हफ्ता पहले ही चोरी की थी, तीन चार स्प्लेंडर मोटरसाइकिलें हैं, से चार चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर और एक बुलेट मोटरसाइकिल पकड़ ली जाती है। ये बड़ी खबर देख सकते हैं, सीआईए शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड के इंचार्ज सुरेश कुमार हो, रोहतास जी हो, वो भी यहां पर मौजूद है। सुरेश जी, सबसे बड़ी बात है कि चोरी की मोटरसाइकिलें बहुत बढ़ रही हैं और आज एक बड़े गैंग को पकड़ा है, दो लोग पकड़े हैं उसके। हाँ, ये नशे की वारदात, नशा बढ़ने के कारण चोरी तो बढ़ी रही है, तो मानते हैं, और बाइकें भी ज्यादा हैं और अपने अपने करनी है, पूरी करनी है, जरूरतें पूरी करनी है, तो बाइक चोरी होती है। तो पांच मोटरसाइकिल हैं? हाँ, आज पांच मोटरसाइकिल हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है, बुलेट मोटरसाइकिल समेत किस तरह से चार मोटरसाइकिल जिसमें स्प्लेंडर है, एक बुलेट मोटरसाइकिल है, उनको पकड़ा जाता है, जिसकी तस्वीरें से मैं देख सकते हैं, दो चोर पकड़े हैं जिनको रिमांड पर लेने के बाद पांच चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की जाती हैं। आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं करनाल पुलिस के सीआईए कार्यालय से, सेक्टर 16 से, जहां पर किस तरह से एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये बड़ी खबर इस समय आपने देखी, हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी मोटरसाइकिल लें, उसका जो एक साइड वाला मजबूत लॉक होता है उसको जरूर लगाया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं जो साइड में लॉक लगा होता है उसको जरूर लगाया जाना चाहिए। और इस समय आप देख सकते हैं सीआईए की टीम, एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की टीम यहां पर मौजूद है और अपने आप में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आप ये लाइव तस्वीरें से मैं आप देख रहे थे कि किस तरह से चार चोरी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक बुलेट मोटरसाइकिल समेत किस तरह से पांच मोटरसाइकिलें बरामद की जाती हैं, दो चोर पकड़े जाते हैं जो कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, नशा करने के आदी हैं, और किस तरह से आप देख सकते हैं नया साल की शुरुआत हो जाती है, लेकिन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और उन चोरी की घटनाओं को सीआईए और एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ट्रेस भी कर रही है। ऐसे ही एक बड़े मामले में बाइक चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा है जिसमें दो चोर पकड़े जाते हैं और पांच चोरी की मोटरसाइकिलें जिसमें एक बुलेट मोटरसाइकिल समेत चार स्प्लेंडर मोटरसाइकिलें शामिल हैं, उनको भी पकड़ा गया है। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।